बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड छम सिक्स क्लास, आज हम अपने पहले लेक्चर में हम्द को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज मैनी को भी हम देखेंगे। आपका जो ओरल काम होगा वो हम्द को पढ़ना है और इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना पेंसिल के साथ अपनी बुक के ऊपर, और रिटर्न होमवर्क में इसके अल्फाज मैनी होंगे जो आप अपने रजिस्टर के ऊपर खूबसूरत करके उनको उतारेंगे। आइए अब हम हम्द की रीडिंग करते हैं। खुदा सबका खालिक है कोनो मका में, ये गुल कारियां जिस कदर हैं जहां में, फलक चांद सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नजारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे के शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। खुदा सबका खालिक है कोनो मका में, ये गुलकारियां जिस कदर हैं जहां में, खुदा की हर एक सिमत जलवा गरी है के नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। खुदा सबका खालिक है कोनो मका में, ये गुलकारियां जिस कदर है जहां में, जमीन का हर एक जरा चमका हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकामे, ये गुलकारियां जिस कदर है जहां में। गनी दहलवी शायर हैं हम के लिखने वाले, और इसके बाद हम के मुश्किल अल्फाज मैनी को देखते हैं और इन मुश्किल अल्फाज मैनी को आपने अपने रजिस्टर पे उतारना है। अल्फाज कोनो मका दुनिया जहां, धारा दरिया का बहाव होता है, कारीगरी महारत, गुलकारी करना फूल बूटे बनाना, दश्त जंगल गैर आबाद जो इलाका होता है उसको दश्त कहते हैं, जरा किसी चीज का नहायत छोटा टुकड़ा, फलक आसमान शदाब सरसब्स। माय डियर स्टूडेंट, इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सवाल जवाब भी देखेंगे और तशरीह को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।